सो गाइस वेलकम बैक टू कुछ ऋतिक व्लॉग। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। फिर सबसे पहले आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है, वो है ये माइक। सो फाइनली गाइस मैंने ये माइक खरीद लिया है, और ये मुझे कितने का पड़ा है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, कैसे इसको यूज होता है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और अगर आप व्लॉग बनाते हो तो आपको ये माइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन सब की बात करेंगे इस वाले व्लॉग में। सो गाइस सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये माइक लेने का मेरे माइंड में कब ख्याल आया। तो देखो यार, अभी तक मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए उसमें वो सब बिना माइक के बनाए, तभी उसकी साउंड क्वालिटी इतनी ख़राब आ रही। आप लोग सब कमेंट कर रहे थे कि कुछ ऋतिक भाई आपकी साउंड क्वालिटी है यार, इम्प्रूव करो इसको, और तुम्हारे व्लॉग्स अच्छे नहीं आ रहे, क्वालिटी ख़राब आ रही। तो यार ये सब चीज़ें कल मैंने सोची, मतलब परसों व्लॉग बनाया था उसमें इतनी सारी ख़राब चीज़ें थी, कल रात में ये मैं यही सोच रहा था कि यार मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं भी ये वाला माइक यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत से व्लॉगर सभी ये वाला माइक यूज़ करते हैं। अब ऑनलाइन हमने देखा अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन पे ये दिखा रहा था 1900 का, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो फ्लिपकार्ट पे 1600 का दिखा रहा था। तो फिर मैंने सोचा अगर मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर हमने सोचा आसपास की दुकानों में पता करते हैं। तो मैंने यहाँ लखनऊ में ही एक शॉप पे पता किया, तो मैंने ये ऑफलाइन से लिया और ये मुझे पड़ा है 1400 का, यानी 1400 रुपये का। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या निकला है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ये आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये है बोया बाई MM1 यूनिवर्सल कार्डियोइड माइक्रोफोन। तो गाइस ये है, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं कैसा निकलता है। इसको गाइस व्लॉग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आप व्लॉग के लिए बोया का वो इतना लंबा वायर तो नहीं यूज़ कर सकते ना। सो गाइस ये निकला है इसमें, ये है, अगर आपके पास कैमरा है तो आप ये एक इधर वाला स्विच कैमरे में लगा सकते हो और इधर वाला स्विच आप माइक में लगा सकते हो। तो ये है फाइनली, ये इसका ये निकलता है जो इसका फोम है, ताकि नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छे से हो पाए। और ये जो है सेट करने वाला निकला है, ताकि अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो आप उसमें इसमें ऐसे यहाँ ऐसे फंसा के और फ़ोन में के ट्राईपोड में लगा सकते हो, या फिर अगर कैमरा है तो कैमरे में ऐसे खोंच सकते हो। और ये एक मुझे थैली मिली है, और एक ये एक और पिन मिला है। ये गाइस दो दो अलग हैं, एक माइक के लिए अलग पिन आया है, कैमरे के लिए अलग है, कैमरे के लिए ये है जो ये होता है ना स्प्रिंग टाइप का, ये कैमरे में लगाने के लिए है। और जो ये पूरा प्लेन है वायर है, ये अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में ये माइक लगा सकते हो। अभी मैं इसकी आपको साउंड क्वालिटी चेक करके बताता हूँ कि कैसी आ रही है। सो गाइस अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये बिना माइक की वॉइस है, इसमें कोई भी माइक नहीं लगा है, अभी हम माइक लगाते हैं। सो गाइस अभी मैंने माइक सेट कर दिया है इस कैमरे में, तो आप बताओ अब वॉइस कैसी आ रही है, अब ठीक आ रही है या फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो यार कमेंट कर दो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि काम कर रहा है ये माइक कि नहीं कर रहा। अभी यार इतना महंगा है, काम नहीं किया तो वापस कर देंगे जाके अभी दुकान से। और आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि ऋतिक भाई अपनी साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करो, तो सब चीज़ इम्प्रूव होगी मेरा भाई, अभी साउंड क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और जो ये वीडियो क्वालिटी है ये भी इम्प्रूव होगी, व्लॉग क्वालिटी इम्प्रूव, सब चीज़ इम्प्रूव होने वाली है। तो ऐसे ही अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय, टेक केयर, जय हिंद। जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी, जीत अब चाहे जिंदगी है।